दोस्तों, मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी दो वीडियो बनाई हुई हैं। उन वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है, मैं 100% श्योर हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, इंस्टाग्राम आप स्टोरी लगाते होंगे और दोस्तों वहाँ पर जब आप म्यूजिक के ऑप्शन पर क्लिक करते होंगे तो दोस्तों वहां पर आपको केवल इंग्लिश सॉन्ग ही देखने को मिल रहे होंगे। तो दोस्तों आज की यह वीडियो बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इस वीडियो को यदि आप एंड तक देख लेते हो तो दोस्तों आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों चलिए बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको बता देते हैं कि वो कौन सी ट्रिक है जिसे यदि आप फॉलो करोगे तो आपकी प्रॉब्लम इंस्टाग्राम पर 100% सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो हम आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे और ना ही इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए कहेंगे। दोस्तों यदि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लेना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो उसके लिए सिंपली सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों ओपन करने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आपकी एक प्रोफाइल का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर थ्री लाइंस का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्विच अकाउंट टाइप, आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, फर्स्ट होगा स्विच टू क्रिएटर अकाउंट और दूसरा होगा स्विच टू पर्सनल अकाउंट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बैक चले आना है। दोस्तों बैक आने के बाद आपको इंस्टाग्राम स्टोरी में म्यूजिक के ऑप्शन पर क्लिक करके वहां पर कोई भी म्यूजिक देख लेना। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि अब वहां पर आपको हिंदी सॉन्ग देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आपको नहीं मिलते हैं तो फिर से आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फिर से सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक कर लेना है, स्विच अकाउंट टाइप पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर लिखा हुआ होगा स्विच टू क्रिएटर अकाउंट। तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर लेना है और क्रिएटर अकाउंट को स्विच कर देना है। दोस्तों इन दोनों ट्रिक को फॉलो करोगे तो मुझे पूरा विश्वास है, मैं 100% श्योर हूँ कि आपकी प्रॉब्लम इंस्टाग्राम से सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों यदि आपकी प्रॉब्लम इंस्टाग्राम पर सॉल्व हो जाती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और दोस्तों इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। मेरा यूजर नेम है राहुल टेक टिप्स 01, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। दोस्तों मैं ये ट्रिक आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैंने 4 लोगों के फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रही थी तो दोस्तों मैंने इस ट्रिक को अप्लाई किया और 100% उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो यार बाय।